आवर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो सी एम एस की सेकेंड सीरीज में मैं आप लोग का वेलकम करता हूँ। गाइस, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने रजिस्टर का फीचर और लॉगिन का फीचर कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम लोग फीचर कंप्लीट करेंगे करेंगे कॉन्टेक्ट वाला, एंड इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है और इसको बेसिकली हम लोगों ने सबमिट करना है एक लारावेल की राउट पे, एंड वो राउट क्या करेगा, ये जो डेटा है हमें ईमेल कर देगा। तो गाइस हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना यस कोड, एंड यहाँ पे जो है के अंदर जाएंगे वेबसाइट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास है contact.lay.ye। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग फॉर्म खोलेंगे। यस, एंड फॉर्म जो है बड़ा बड़ा है। यस, एंड इसमें ये जो मेथड है इसको रिमूव कर देंगे, एंड इसके अलावा इस पर जो नाम है तो रिमूव कर देंगे, एंड जस्ट इसकी एक आईडी रहेगी, एंड इसी आईडी की बेसिस पे जो है तो फर्दर वर्क करेंगे। एंड नीचे जो ये बटन है इसकी जो टाइप है भी हम लोग रख देंगे बटन, ताकि ये एज ए बटन वर्क करे। एंड उसके अलावा इस क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे जब भी इस पर क्लिक होगा क्लिक सेंड इल हम लोग फंक्शन रन, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट पे सेक्शन बनाएंगे, एंड उसमें क्या होगा फिर लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये क्या है तो लिंक ये क्या बनाया है, उसके अंदर जो हमारे पास मेन डॉट ले डॉट स्पेस के जो फंक्शन में जो डालनी होगी तो वो यहाँ पे सेक्शन यहाँ से हम लोगों ने बनाया ये डायरेक्टिव के थ्रू, एंड यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे डालेंगे वो डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैग लगाएंगे फंक्शन बना लेंगे, एंड देन का कुछ में अभी के लिए अलर्ट शो करा देते हैं। अरे इतना करने के बाद आते हैं हम लोग ब्राउजर में, एंड जैसे ही मैं करने के बाद सेंड मैसेज में क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है हाय ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब इसी के अंदर एजेक कॉल करेंगे, और उससे पहले हमें जो है ना एजेक क्योंकि आउट पे हम लोग परफॉर्म करनी है तो हम राउट होना चाहिए। एफ डॉट पी एच पी के अंदर जाएंगे या एक वाला जो राउट है कॉपी एट पी एच कर देंगे, एंड यहाँ पे इसका मेथड जो है वो चेंज कर देते हैं क्योंकि हम लोग सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉन्टेक्ट ई मेल, ओके, या फिर कॉन्टेक्ट ए लिख देते हैं, या लिख देंगे वेबसाइट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉपी करके वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं, पब्लिक कॉन्टेक्ट। अब ये जो हमारा कॉन्टेक्ट मेल है इसको हम लोग जो भी भेजेंगे अभी के लिए क्या करो फेस भी आएगा वो सारा का सारा रिटर्न कर, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट वाले वेरिएबल के अंदर है भी नहीं, ये फंक्शन गेट करेगा रिक्वेस्ट डेटा को एंड देन यहाँ पे रिटर्न कर दे। अब मैं एजेक्स परफॉर्म कर सकता हूँ, तो इसके लिए जो है ना हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी मेथड को, लाइक हम लोग जो है ना जो ऑलरेडी बना चुके हैं जैसे स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट की लॉग इन, यहाँ पे हमारे पास एजेक्स फंक्शन है जिसकी जो बॉडी है वो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने कर ली है अलर्ट वाली जगह पे पेस्ट कर देते हैं, एंड देन उसके अलावा जो कि हमें चाहिए रहता है ESRF टॉप का एजेक्स रिक्वेस्ट हम लोग जो है ये भी ले आएंगे। अभी वन बाय वन इस लाइनों को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि ऑर्डर स्पिनर है वो ऐड कर रहा है, मैं यहाँ पे वेरीफाई की जगह पे सेंडिंग लिखूंगा ऐड, यहाँ पे लॉगिन बटन नहीं है, यहाँ पे है ऐड, बट ये आईडी मुझे कहाँ पे देनी है, मुझे बटन में देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूंगा इस बटन एक आईडी, मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। अब जो है ये वाली लाइन जो है ना हमारी सेट कौन सी लाइन तक हमारा काम हो गया, हम लोग सेमी कॉल आप ऐड कर देंगे और इसको जो है यहाँ तक हमारा काम हो गया। इसके बाद हम लोगों ने इसको देखना है, ये है एरर मैसेज, एरर जो मैसेज है वो कहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है वो हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ जहाँ पे सबमिटिंग नहीं लिखा हुआ यहाँ एरर मैसेज वाली क्लास दे देते हैं, ये हमारा एरर जो है स्टार्टिंग में तो चला ही जाएगा, तो ये हो गया। इसके अलावा अब फॉर्म की जो आईडी है इसकी फॉर्म की आईडी क्या है, कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट मेथड
एंड डेटा इसके पास आ जाएगा एंड ये यहाँ से सेंड कर देगा। अब सेंडिंग का जो प्रोसेस है ये यहाँ पे कह रहा है कि 1 आता है तो ये अदरवाइज ये, तो जो अदर मैसेजेस है ना उनको तो हमने अभी के लिए डिस्प्ले पर आना ही नहीं है। ये मैंने यहाँ से लेकर कर दिया डिलीट, ठीक है कर देता हूँ डिलीट, जस्ट ये एल्स वाला इसके साथ जोड़ देते हैं। अच्छा अब जो है ना अगर तो रिटर्न में आ जाता है वो तो सक्सेस मैसेज दिखा दो, और ये जो फॉर्म है कॉन्टेक्ट फॉर्म इसको क्लियर कर, कॉन्टेक्ट फॉर्म क्लियर कर दो, और इसके अलावा रिलोड करने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास सेंड मैसेज है दोबारा से क्या लिखा हुआ आ जाए, सेंड एंड मैसेज सेंड मैसेज लिखा हुआ आ जाए, एंड देन क्या सेट टाइम आउट 1 मिनट बाद 1 सेकंड बाद, ठीक है क्या कर देना है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और हम लोग चले आते हैं पर एंड ये जो इनर पार्ट है यहाँ से कर देंगे ऑफ एंड देन आ जाएंगे सक्सेसफुली सेंड हो गया ने, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे से पहले ये यूज कर लेते हैं, ये वाले बैकटिक्स यूज कर लेते हैं ओके। एंड एल्स में एरर दिखाना है, एरर जो है पे एरर दिखा देंगे, अगेन दिखा देते हैं पर वाला सबमिटिंग है उस पता भी देते हैं, ये बेसिकली जो मैसेज एरर मैसेज एलिमेंट ये हमारा आ जाएगा जी, वहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कराएं। एरर मोस्टली हर इनपुट में हो सकता है, ठीक है हम लोग क्या करेंगे जितनी भी इनपुट्स है ना ये नीचे एक टैग पार्ट एंटर कर देंगे एंड क्लास यही दे देते हैं, साथ ही साथ उसकी आईडी मिल जाएगी, तो ये चीजें हम लोग से कॉपी करके हर इनपुट के लगा देनी है ओके। इससे ये होगा कि जो हमारे यहाँ पे एरर्स होंगे ना जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले तो सारे एरर क्लियर हो जाएंगे अगर तो एग्जिस्ट करते हैं, फिर न्यू एरर होगा तो वो एक जगह पे आ अब जो न्यू एरर होगा सबसे पहले एरर जैसन के अंदर चीज आ जाएगी, एंड देन अगर ईमेल से रिलेटेड कोई एरर होता है तो ईमेल एरर के अंदर चले जाएगा, पासवर्ड से रिलेटेड कुछ होता है तो पासवर्ड वाले एरर के अंदर चले जाएगा, बट पासवर्ड तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या चीज फेर यहाँ पे नेम आ सकता है कि लाव आ सकती है, कंपनी एक होगा मैसेज ठीक है, तो ये एरर आ सकती है एंड यहाँ पे दोबारा से ये लॉगिन वाला बटन नहीं है बल्कि सेंड है। एंड अब आई थिंक हम लोग को टेस्ट कर लेना चाहिए, यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग चले जाएं नेटवर्क टैब पे और यहाँ पे तो एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड उसके बाद हम सेंड मैसेज के बटन पर क्लिक करते हैं, ये हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो गई है एंड रिस्पॉन्स में क्या आया है रिस्पॉन्स में नल 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 ठीक है, मतलब ये चीजें हमारी जा रही है ओके। यहाँ पे हम लोग कुछ भी फिल कर लेते हैं, यहाँ पे भी फिल कर लिया फिल अप कर, अभी यहाँ पे सेंडिंग लिखा हुआ आ रहा एंड ये रुक भी नहीं रहा, तो ये क्या सीन है क्योंकि रिटर्न में जो है हमारे पास 1 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, ठीक है रिटर्न में अगर 1 आता है तो फिर जो है हमारा ऐसे सेंड हो गया है, अदरवाइज कुछ तो आया है, ये सभी के लिए वो नहीं आ रहा जिसके से यहाँ पे इशू आ रहा है, कोई बात नहीं है यहाँ पे हम लोग दोबारा से सेंड करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी है उसके अंदर ही हमारा डेटा जा रहा है, तो हमारा जो डेटा है वो तो यहाँ तक पहुँच गया है, कहाँ पहुँच गया है यहाँ पहुँच गया है, अब इससे पहले हम लोगों को इसको वैलिडेट करना है, तो वैलिडेट किस तरह से करेंगे हम बोलेंगे कि जो रिक्वेस्ट में आ रहा है ना वैलिडेट करो, वैलिडेट इस तरह से करो कि जो नाम है वो होना चाहिए रिक्वायर्ड और साथ ही साथ मैक्सिमम जो हो 250 करेक्टर्स का हो सकता है, बट इतना भी नहीं होता तो हम लोग इस कॉपीज बना लेते हैं इसके लिए हम आ जाएंगे जी, हम लोग चले जाएंगे लॉगिन में नहीं जाएंगे हम लोग के अंदर और स्टूडेंट कंट्रोलर एंड यहाँ पे रजिस्टर में जाके जो आप कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ईमेल वाली जगह पे, अब इस पे जो कि हम लोग डेटा कैदर तो कर नहीं रहे डेटा बेस ये मैंने यहाँ पे कर दिया, बाकी रिक्वायर्ड है ईमेल होना चाहिए एक्टिव 1 मिनट एंड देन उसके बाद आखिर में जीमेल चाहिए, ये हो गया फिर उसके बाद ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैक्सिमम जो है नंबर इसके 50 से ज्यादा नहीं एंड सी के बाद
काउ एंड कंपनी भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट कंपनी का जो नाम है एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मैसेज, जो मैसेज है जस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, जस्ट रिक्वायर्ड कर देते हैं कि दैट्स इट, ये हमारी वैलिडेशन लग चुकी है। एंड अगर मैं अब एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड देन उसके बाद सेंड पे बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास अब यहाँ पे ट्राई अगेन आना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये जो वापस क्लियर नहीं, क्लियर करते हैं। अब मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, एंड करने के बाद मुझे यहाँ पे एरर्स तो देखने मिले हैं, लेकिन ये एरर डिस्प्ले नहीं हुए। तो इनको डिस्प्ले करने के लिए हमें IDs ऐड करनी पड़ेगी। तो ID दे देते हैं, जैसे कि पहले वाले को नेम एरर, और जैसे ही हम लोग नेम एरर लिखेंगे पे रिफ्रेश करते हैं, सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे तो आ जाना नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या इशू है, ये बोल रहा है कि ईमेल एरर डिस्क्वालीफाइंग, ये इससे पहले ईमेल एरर आता है, ईमेल करते हैं यहाँ पे दे देंगे, ये अब जो है करेगा एंड मैसेज पे क्लिक किया, ये दो एरर तो आ गए हमारे पास, ठीक है। अभी नीचे शो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दरमियान में एरर आ गया है, तो यहाँ पे भी कर देंगे लिफ्ट से रिलेटेड कोई भी एरर, कंपनी से रिलेटेड कोई भी एरर होता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, मैसेज से रिलेटेड कोई भी एरर होता है तो मैसेज एरर में आ जाएगा कि मैसेज एरर नीचे है, ये हो गया जी मैसेज। ओके गाइस, तो हमारे पास जो है ये सारी चीजें ऐड करनी है। आप मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड हम लोग जो है अब एंड के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो मेरे पास ये ट्राई अगेन आ गया है, और आप लोग देख सकते हो द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड द मैसेज फील्ड इज रिक्वायर्ड। एंड अगर मैं फोन नंबर में जाता हूँ और यहाँ बहुत ही लेंथी का टेक्स्ट दे देता हूँ, एंड इतना लेंथी टेक्स्ट देने के बाद अगर मैं यहाँ पे ट्राई अगेन पे क्लिक करता हूँ, ये फर्स्ट पे 50, ठीक है, 50 करेक्टर का होना चाहिए, तो ये एरर भी यहाँ पे डिस्प्ले रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ईमेल पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं @sample.com ईमेल का फॉर्मेट तो है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई नहीं करूंगा, तो ये बोलेगा कि था ईमेल पास एंड विद @gmail, तो ये जो है ना जीमेल ही यहाँ पे एंटर करनी है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक बार रिलोड करते हैं, लोड करने के बाद हमारे पास डेटा है वो क्लियर, टास्क को यहाँ से कॉपी करके किसी और ब्राउजर में चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे भी शो आ रहा है। अच्छा, ये जो ईमेल सेंड करने वाला काम है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं डेटा को फिल करें, देन उसके बाद सेंड करें, हमारे पास ये जो है अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये का इशू था, कर देता हूँ, ये हमारी वैलिडेशन के बाद की कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है ये सबमिट हो रहा है। अब जो नेक्स्ट वर्क जो हम लोगों ने करना है, इस डेटा को ईमेल पे सेंड करवा देना है, बाकी जो है काम लगभग हुआ है। तो ये जो ईमेल वाला काम है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।